ऑल ऑफ यू और दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में एक बार फिर से परमेश्वर की प्रेजेंस में यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों का मैं वेलकम करता हूं मेरे प्रियो। और आज एक बार फिर हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं वायदे के वचन को लेने के लिए। और आज के लिए 16 जून 2021 के लिए परमेश्वर का जो वायदे का वचन हमें मिलता है भजन संहिता की पुस्तक उसके 25 अध्याय और उसके 14 पद के अंदर। भजन संहिता 25 और उसके 14 पद को इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार इस मंथ में हम परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स को, परमेश्वर के गुणों को हम लोग सीख रहे हैं। और परमेश्वर का एक गुण हमें यहाँ पर पता लगता है कि यहोवा का जो भेद है, हालेलुया, यहोवा अपने भेद को जो है वो प्रकट करने वाला परमेश्वर है। लिखा है कि यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। हालेलुया, परमेश्वर यहोवा का भेद है। यानी यहां पर जब ये इस बात को लिखा है कि यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, इसका मतलब यहोवा का भेद है। हालेलुया, यहोवा का भेद है और परमेश्वर जो है उसे बताना चाहता है। हमने सीखा था इस बात को और देखा था हमने कल के दिन कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें जिन्हें तू अभी नहीं समझता मैं समझाऊंगा। इसका मतलब बड़ी बड़ी बातें हैं, कठिन बातें हैं, इसका मतलब यहोवा का भेद है। इसका मतलब परमेश्वर हमें जो है वो समझ देना चाहता है ताकि हम उन बातों को समझ पाए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि मैं इसलिए तुमसे दृष्टांतों में बात करता हूं ताकि केवल तुम समझ पाओ, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर के राज्य की समझ जो है वो दी गई है। मेरे प्रियो, यहोवा का भेद, हालेलुया। और यहां पर लिखा है कि यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। यानी यहोवा का भय मानने से, ध्यान से लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से आप इस बात को सुने कि यहोवा का भय मानने से जो है वो यहोवा के भेद को जो है वो जान पाता है। यहोवा का भय कौन मानता है? जो यहोवा की आज्ञाओं को मानता है। क्योंकि जब हम किसी का भय मानते हैं तब हम क्या करते हैं, हम उसकी बात को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और आज्ञाओं को कौन मानता है? आज्ञाओं को वो मानता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है, वही परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। हालेलुया, और परमेश्वर से जो प्रेम करता है वो परमेश्वर के नजदीक हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो परमेश्वर के नजदीक हो जाता है। और जब हम परमेश्वर से नजदीक हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर के मित्र बन जाते हैं, जब हम परमेश्वर के क्लोज हो जाते हैं, तो परमेश्वर अपने भेद को, यहोवा अपने भेद को जो है वो उन लोगों के ऊपर प्रकट करता है जो उससे डरते हैं। यानी भय मानता वो व्यक्ति है जो आज्ञा मानता है, और आज्ञा वो व्यक्ति मानता है जो प्रेम करता है, और प्रेम वो करता है जो उसको जानता है, जो उसके नजदीक होता है। मेरे प्रियो, हालेलुया, जो परमेश्वर के नजदीक होता है यहोवा परमेश्वर उस पर उस भेद को जो है प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम परमेश्वर के नजदीक कैसे रह सकते हैं, हम परमेश्वर के नजदीक कैसे हो सकते हैं? बाय द ऑनेस्ट वॉक विद गॉड, जब हम परमेश्वर के साथ सच्चाई से चल रहे हैं। हालेलुया, जब परमेश्वर के साथ जो है सच्चाई से चल रहे हैं, खरा जीवन हम बिता रहे हैं, आज्ञाकारिता का जीवन जो है हम बिता रहे हैं, और हम उन वायदों को, लिखा है वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा जो उससे डरते हैं। जब हम उससे डरते हैं, उसका भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हैं, जब हम उसके साथ एक सच्चाई के साथ जो है एक अनुभव को प्राप्त करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर उन पर जो है
अपनी वाचा जो है उन पर प्रकट करता है, यानी जो प्रोमिसेस जो परमेश्वर ने वायदे जो है अपने वचन में किए हैं, वो सारे वायदे वो अपने जीवन में पूरे होते हुए देखता है। हालेलुया। तो क्या हम चाहते हैं आज की सुबह जब परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपनी वाचा को तुम्हारे ऊपर प्रकट करना चाहता हूँ, मैं अपने वायदे को तुम्हारे जीवन में पूरा करना चाहता हूँ, तो क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में पूरे हों? और वो किन के जीवन में पूरे होते हैं? लिखा है, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानना है, ताकि परमेश्वर की आज्ञाओं को हम माने, ताकि परमेश्वर से प्रेम रखें, उसके नजदीक हम उसके साथ एक क्लोज रिलेशनशिप बनाएं, उसको और जानें, उसके साथ सच्चाई के साथ हम लोग चलें, ताकि हम परमेश्वर के वायदों को, उसकी वाचा को अपने जीवन में पूरा होते हुए अनुभव कर पाए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आयत के साथ आशीष करें मेरे प्रियो। तो यही प्रश्न मैं आज आपसे इस डेली डिवोशन में पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार हम परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सकते हैं। हालेलुया। आज सीखे गए वचन के अनुसार किस प्रकार हम परमेश्वर की वाचा को, उसके वायदों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सकते हैं? तो जरूर कमेंट कर इस वीडियो के नीचे आप अपने आंसर को दें। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष करे। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।